आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई। कभी कांग्रेस के कोर वोटर रहे अधिकांश उत्तर भारतीय मतदाता भाजपा की राह पकड़ चुके। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के इस चौपाल अभियान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 15 मार्च को नम्रता हॉल कोकर्णी पाड़ा पुरार विलेज मलाड़ में आयोजित कार्यक्रम में। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी नियमों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। विनोद मिश्रा ने बताया कि चौपाल कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ बैठक कर उनके सुख दुख की चर्चा की तथा समाज को एकजुट करने की बात पर जोर दिया गया। उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने। कार्यक्रम में आमदार अतुल भातखलकर, विद्या ठाकुर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जय प्रकाश ठाकुर, चौपाल कार्यक्रम के संयोजक राजहंस सिंह, युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवारी, मनपा गुट नेता विनोद मिश्र समेत समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। त्या परिस्थिति मध्ये मुंबई मध्ये परिवर्तन कसा आवश्यक आहे हे त्या ठिकाणी त्यांना पटवून दिलं जाईल। जसा हा उत्तर भारतीय मोर्चाचा कार्यक्रम आहे तसा युवा मोर्चा एक वेगळा त्यांचा वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम करणार आहे। महिला मोर्चा वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम करणार आहे। आमचा कोकणाचा एक मोर्चा आहे तो वेगळ्या पद्धतीने काम करणार आहे। अशा वेगवेगळ्या मोर्चांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जनजागृतीचा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला आहे। उत्तर भारतीय मोर्चाने आज त्याची सुरुवात केली। सर एक वेगळा प्रश्न, परत वाझे प्रकरणावरून दिवसभर राजकारण तापताना दिसत आहे आणि आज असं राष्ट्रवादीच्या सर्व नेत्यांची बैठक देखील झाली। जसं की आज सकाळपासून बातम्या येत आहेत की मुख्यमंत्र्यांनी शरद पवारांना देखील भेट नव्हती दिली, काय एकंदरीत बघताय? कारण वेगवेगळे खुलासे होत आहेत, अनेक धक्कादायक माहिती आता समोर यायला सुरुवात झाली। असं आहे की आत्ता तर आम्ही या सगळ्याच्यावर नजर ठेवलो, कारण हे केवळ बातम्या सोडण्याचं काम चाललं आहे। हे नाराज आहेत, ते त्याला बदलणार आहेत, हे याला बदलणार आहेत, यांची अशा प्रकारची नीती आहे, हे सगळे बातम्या सोडणं चाललं आहे। खरोखर या संदर्भात नेमकी काय कारवाई होणार आहे याच्यावर आम्ही नजर ठेवून आहोत। दुसरं मला असं वाटतं की वाझे प्रकरण अजून संपलेलं नाही। जोपर्यंत मनसुख हिरेन यांचा खून कसा झाला, तो कोणी केला, या संदर्भातला खुलासा होत नाही, तोपर्यंत हे प्रकरण आम्ही लावून धरू। जेवढे प्रकरण म्हणजे एवढे खुलासे समोर येत असताना देखील शिवसेनेचे काही मंत्री, खास करून सॉरी काही नेते, खास करून संजय राऊत अजूनही उघडपणे मुंबई पोलिसांमध्ये म्हणजे ज्या पद्धतीनं भूमिका घेत आहेत की पोलिसांची बदनामी करण्याचा हेतू मुंबई पोलीस सक्षम होतं, जे काही भूमिका घेत आहेत आणि वाझेंची बाजू लावून धरत आहेत। मला असं वाटतं की आता ज्यावेळी एखादी कुस्ती असते आणि त्या कुस्तीमध्ये एखादा पैलवान चित होतो, की डॅमेज कंट्रोल इतक्या दिवस शरद पवार नेमकं होते कुठं, मला समजतच नाही की अशा काही घटना घडल्यानंतर पवार साहेब काही बोलत नाही, कोणी प्रमुख लोक बोलत नाही, केवळ माध्यमच चालवतात। ते चिडले आहेत, हे डॅमेज कंट्रोल करत आहेत, हे यांच्यावर कारवाई करणार आहेत, या बातम्या सोडण्याचं काम, हे कुठल्या कारवाई वगैरेचं काम नाही आहे। त्यांना खरं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असो किंवा शिवसेना पक्ष असो, या दोघांची मी स्टाईल बघितली आहे की हे आपापल्या लोकांना पकडून त्या ठिकाणी केवळ बातम्या सोडतात आणि त्यातनं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न, पण याने डॅमेज कंट्रोल होणार नाही। जोपर्यंत या संपूर्ण मामला जो आहे यातलं सत्य बाहेर येत नाही तोपर्यंत डॅमेज कंट्रोल होऊ शकत नाही। का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, 1000 चौपाल पूरे मुंबई में आयोजित की जाएगी। इन चौपाल के माध्यम से लोगों में जागृति लाई जाएगी। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार मुंबई महानगर पालिका में अभी जो राज्य कर रहे हैं उनकी ओर से देखा जा रहा है, इसके खिलाफ एक प्रकार से हम अलख जगाएंगे और मुंबई में हम लोग परिवर्तन करेंगे और उस दृष्टि से अलख जगाने के लिए, जनजागृति करने के लिए। क्या है ये चौपाल का ध्येय? 2022 में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और जिस तरह से पिछले 25 साल से मुंबई महानगर पालिका को सत्ताधारी शिवसेना लूटते आ रही है, न मुंबईकर को फुटपाथ मिल रहा है, न रोड मिल रहा है, जरा सा बारिश आती है तो मुंबई जो है तुम्बई हो जाती है। और आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे NDZ में बड़ी बड़ी स्टूडियो, सरकारी प्लॉट को कब्जा करना, वहाँ पे झोपड़े बनाना, बड़े पैमाने पे शिवसेना के शासनकाल में हुआ। और जब कोविड का पीरियड आया पिछले एक साल में, 2020 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, अभी तक देखेंगे
तो जिस तरह से कोरोना की केसेस बढ़ी, सबसे ज़्यादा पेशेंट मुंबई में आए पूरे देश में, सबसे ज़्यादा डेथ मुंबई में हुई, तो पूरा पिछले साल 25 साल का रिकॉर्ड उसने कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का सत्ताधारी शिवसेना और सो कॉल्ड विरोधी पक्ष कांग्रेस और राष्ट्रवादी और सपा के नाम रहा। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी पहुंचे थे आपके यहाँ पर, तो क्या कुछ कहना रहा उनका? देवेंद्र जी भी आए थे और कार्यक्रम की एक ही कल्पना थी कि जो 2022 में चुनाव है और मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो 2022 के चुनाव में मुंबई की जनता और भारतीय जनता पार्टी मिल करके इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेगी और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। उस संकल्पना के लिए आज जो 1000 चौपाल 50-50 लोगों के पास हम लोग जा करके बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, भ्रष्टाचार किस तरह से लोग मुंबईकर को लूट रहे हैं उसकी बात करेंगे, और एक परिवर्तन चौपाल के नाम से कार्यक्रम करेंगे, और उस कार्यक्रम का शुभारंभ आज माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों यहाँ पर नर्मदा हॉल में हुआ। उन्होंने भी अपील किया कि हम एक एक समाज के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, सबके लिए काम करेंगे, सब में अलग जगाएंगे, एक करेंगे, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम लोग शिवसेना और इनको परास्त करके मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाएंगे। कहीं ना कहीं वाजे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी, तो उस पर क्या कहना है? वाजे, सचिन वाजे और महाविकास आघाड़ी, इनका कल्चर ही रहा है कि ये लोग एक्सटॉर्शन के लिए जाने जाते हैं। उसमें से सचिन वाजे कोई अलग नहीं है, वो भी एक शिवसैनिक है और उसने एक्सटॉर्शन करने का काम किया है, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है, उस मुंबई पुलिस का नाम सचिन वाजे और महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उद्धव जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री के नेतृत्व में जो कल तलक उसकी वकालत करते फिर रहे थे, आज वही जो जांच कर रहा था जिसमें एक डेथ हुई है, मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे बड़े धनी है, एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है, अगर वो मुंबई के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके घर के बाहर प्लांट किया जा सकता है बम, तो कौन और सुरक्षित है? कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के लिए डराने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस गिरफ्तारी तो एक नमूना है, एक प्यादा है, और बड़ी बड़ी गिरफ्तारी होनी बाकी है, पूरी सरकार हिल जाएगी और इनको जवाब तो आएगा नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके धागे डोरे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।